नमस्कार दोस्तों, चलिए लिए चलते हैं आपको आज चंडी देवी, जो कि आज हम चंडी देवी मंदिर की यात्रा पर हैं और आज हम आपको चंडी देवी के दर्शन कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर को हम ओड़न खटोले वाली जगह पर आ चुके हैं, अर्थात अब यहाँ से ट्रॉली में बैठ करके हम लोग चंडी देवी के दर्शन करेंगे। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो यहाँ पर जितने भी आप श्रद्धालु देख रहे हैं, ये सब अपनी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कम से कम एक या डेढ़ घंटा अभी लग रहा है ट्रॉली, जब तक आपको ट्रॉली मिलेगी, क्योंकि यहाँ लगभग 300-400 लोग पहले ही वेटिंग में हैं। तो हमने भी टिकट ले चुके हैं हम लोग, और यहाँ पर हमको 440 नंबर मिला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। इसके बाद हम ट्रॉली में बैठ करके चंडी देवी का दर्शन आपको कराएंगे। तो आजकल आप देख सकते हैं कितनी आजकल यहाँ पर को गर्मी का सीज़न है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर को लोग बैठे हुए हैं, और मेरी फैमिली भी यहाँ पर को बैठी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना है। तो यहाँ पर को मेरा लड़का कुछ डांस करते हुए तिंगे तिंगे में, और हम अभी यहाँ पर अपनी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको दिखा चुके हैं यहाँ पर को कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं माँ चंडी देवी के दर्शन करने। लेकिन किसी को भी पता नहीं होगा कि इतनी भीड़ पड़ेगी, तो पैदल रास्ते से हम नहीं गए हैं, हम ट्रॉली के रास्ते से जाने की सोच रहे हैं। तो हमें भी पता नहीं था इतनी भीड़ पड़ेगी, लेकिन अब आ चुके हैं तो फिर वापस जाना पैदल मुमकिन नहीं, तो इसीलिए अब हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। तब तक लगभग एक डेढ़ घंटा हमें यहीं बैठना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लोगों के अंदर कितना क्रेज है, हम तो हरिद्वार में ही रह रहे हैं, लेकिन लोग बाहर से भी आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, जो कि बैठे हुए हैं, और डेढ़ दो घंटे में यहाँ पर को नंबर आएगा। लेकिन फिर भी इतनी गर्मी में भी श्रद्धालुओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, तो अगर आप आएँ तो इस हिसाब से आएँ कि आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। और ये देख सकते हैं आप, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, लोग घूमने आते हैं, और इस समय काफ़ी रश रहता है मंदिरों में, तो ऑफ सीज़न में आपको